इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन की। तो बिल्कुल सिंपल वर्ड में अगर इसको समझने की कोशिश करें कि क्या है रेस्पिरेशन, तो हम इसको बोल सकते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। मीन्स ऑक्सीडेशन के थ्रू फूड को, फूड से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। मीन्स ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। एनर्जी प्रोड्यूस करने की प्रोसेस को ऑक्सीडेशन के थ्रू फूड से इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये एनर्जी जो है एटीपी की फॉर्म में, मींस एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में, ये एनर्जी स्टोर हो जाती है बॉडी के अंदर, और जब रिक्वायरमेंट होती है यहाँ से ये इसका यूज़ किया जा सकता है। तो जैसे अगर इसको देखते हैं, जैसे C6H12O6 इक्वेशन के थ्रू अगर इसको समझे, C6H12O6 मींस ग्लूकोज। ग्लूकोज हमने इसलिए लिया, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से ले सकते हैं कि डाइजेशन में कार्बोहाइड्रेट जो है बिल्कुल कम्प्लीटली डाइजेस्ट होने के बाद में ग्लूकोज की फॉर्म में जो है वो विलय के थ्रू ब्लड से सेल के पास पहुँचता है, और सेल में पहुंचने के बाद इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या बनता है, किसमें ब्रेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये एनर्जी किसकी फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। इस रिएक्शन के थ्रू, इस प्रोसेस के दौरान क्या निकलती है, हीट निकलती है, हीट रिलीज होती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसको कहते हैं। रेस्पिरेशन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या निकलती है, स्मॉल अमाउंट में हीट भी निकलती है, और जिस रिएक्शन के अंदर हीट निकलती है ऐसी रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखें तो ये रिएक्शन जो है आपकी फोटोसिंथेसिस की जस्ट अपोजिट है। वहाँ पर क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके क्या बनता था, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलती थी। यहाँ पर जस्ट अपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहे हैं, तो जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। इसलिए क्या है कि अगर हम देखें कि मेटाबॉलिज्म, इसको हम मेटाबॉलिज्म से या मेटाबॉलिक रिएक्शन, अगर आपको नहीं पता है तो वो बता देते हैं कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन बॉडी के अंदर होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। इसमें दो आती हैं, दो टाइप होते हैं इसके, एनाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक रिएक्शंस। एनाबॉलिक के अंदर छोटे मॉलिक्यूल जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, जैसे कि आपका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या हुआ था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके ग्लूकोज बनाया था, और कैटाबॉलिक के अंदर एग्जांपल आएगा जैसे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता, ब्रेकडाउन होगा, इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर हुआ तो ये आएगी कैटाबॉलिक के अंदर, और फोटोसिंथेसिस आएगी एनाबॉलिक के अंदर। तो रेस्पिरेशन क्या है, जस्ट अपोजिट टू फोटोसिंथेसिस। अब जो है हमारा इसके अंदर अगला टॉपिक जो आता है, यहाँ पर रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अब ह्यूमंस के अंदर, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो ह्यूमन में रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जानना जरूरी होगा, रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमन में रेस्पिरेशन किस तरीके से होगा, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें पढ़ना पड़ेगा पहले। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर नोज से, जिसको बोलेंगे नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल के बाद में नाक से, फिर कहाँ पर, आपकी ये ट्यूब जो स्ट्रक्चर है वो पहुँचेगी लैरिंग्स के पास में। लैरिंग्स मीन्स वॉइस बॉक्स। उसके बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स को सिंपल वर्ड में बोले तो थ्रॉट, गला। इसके बाद में विंड पाइप, विंड पाइप मीन्स ट्रैकिया। विंड पाइप के बाद में ट्यूब आगे निकलती है ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल्स,
और ब्रोंकियोल से एल्वेलाई। एल्वेलाई सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसको अगर डायग्राम से देखें ट्यूब्स को, पाथ को, कहाँ से कहाँ चलता है ये नोस और माउथ की ओपनिंग जो है कंबाइंड कॉमन पाथ बनता है थ्रॉट के गले के अंदर आने पर जो है। उसके बाद ये रहा ट्रैकिया, लेफ्ट और राइट लंग्स में डिवाइड होती है। मान लीजिए ये है लंग्स, तो ये रहा नॉस, यहां पर ये हुआ फेरिंग्स, ये ट्रैकिया मींस विंड पाइप, यहां से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगी और फर्दर डिवाइड होने के बाद में क्या बनाती है ब्रोंकियोल्स और लास्ट में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर एल्वेले। तो नोज से स्टार्ट हुआ और यहाँ से आते हुए एंड कहाँ पर हुआ एल्वेले के अंदर। ये जो पाथ है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होगा वो कहाँ तक होगा, ये नोज से आपका एल्वेले तक आया। एल्वेले क्या है, साइट है गैसेस एक्सचेंज के लिए। अब इनको एक एक करके थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो वॉइस बॉक्स लैरिंग्स तो आपका क्या है, जो वॉइस प्रोड्यूस करता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है जहाँ पर। उसका फेरिंग्स, फेरिंग्स क्या है आपका गला है। ये फेरिंग्स जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें कॉमन पाथ है। मींस ये जो है फूड और एयर के लिए कॉमन पैसेज जो होता है वो फेरिंग्स है। कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर, दोनों के लिए कॉमन पैसेज है फेरिंग्स। ट्रेकिया मीन्स विंड पाइप, विंड पाइप जो है यहाँ पर ये क्या करता है कि जब इसके अंदर एयर होगी तो नॉर्मल कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब एयर नहीं हो या कम अमाउंट हो तो ये कोलैप्स ना करे, ये अंदर को ना जाए, कोलैप्स ना करे ट्रेकिया। तो ये क्या करता है, इसमें ये गार्डेड मीन्स इसके ऊपर क्या होती है कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है जो इसको प्रिवेंट करती है, रोकती है कोलैप्स होने से। ट्रेकिया गार्डेड बाय रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। ये रिंग्स ऑफ कार्टिलेज क्या करती है, प्रिवेंट फ्रॉम कोलैप्सिंग किसको, ट्रैकिया को, विंड पाइप को कोलैप्स होने से बचाती है कार्टिलेज की बनी हुई रिंग। जैसे ये है आपका यहाँ ट्रैकिया, मैं यहाँ बना देता हूँ ये, तो इस पे क्या है इस तरह से कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है जो इसको कोलैप्स होने से बचाती है। सी शेप की होती है, मत मीन्स आगे तो कंप्लीट है लेकिन पीछे की साइड में कंप्लीट नहीं होगी, पीछे की साइड में ये इतनी जस्ट ऐसे, आगे से पूरी पीछे की साइड में कंप्लीट नहीं होती, सी शेप की ये कार्टिलेज की बनी हुई रिंग्स होती है। तो ये क्या करती है, ये करती है कोलैप्स होने से इसको बचाती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि यहीं पर ही विंड पाइप के पास में ही क्या रहता है, यहाँ पर ग्लॉटिस मीन्स ये रहा आपका जैसे ट्रैकिया, और ट्रैकिया के बराबर में ही आप मान लीजिए यहाँ पर जैसे समझने के लिए ये है विंड पाइप और इसको मान लीजिए फूड पाइप मीन्स इसोफेगस। तो यहां पर क्या होती है, एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, कार्टिलेज की बनी हुई फ्लैप होती है, कार्टिलेजिनस फ्लैप। इस कार्टिलेजिनस फ्लैप का नाम क्या है, इसका नाम है एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस। और ये जो ओपनिंग है विंड पाइप की इसको बोलते हैं ग्लॉटिस। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है कि रीजन देना पड़ता है, गिव रीजन व्हाई ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस।
तो क्यों होती है? तो यहाँ पर अब जैसे माउथ से हमने फूड लिया, तो फूड आया, तो फूड आने के बाद में ये क्या होगा? ऐसे है तो ये पुश हो जाएगा नीचे की तरफ आ जाएगा, मीन्स ये इस तरीके से आ जाएगा, और इससे क्या हो जाएगी, ये जो विंड पाइप है ये बंद हो जाता है, और फूड कहाँ पर, फूड पाइप के अंदर एंट्री हो जाती है। तो ये क्या करता है, जो एपिग्लॉटिस है ये क्या करेगा, प्रिवेंट दी एंट्री, एंट्री ऑफ फूड इनटू दी विंड पाइप, विंड पाइप के अंदर फूड की एंट्री को रोकता है कौन, एपिग्लॉटिस, और किसको गार्ड कर रहा है, ग्लॉटिस को, तो ग्लॉटिस इज गार्डेड बाय एपिग्लॉटिस। तो यहाँ से ये आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है यहाँ तक ये होता है कंप्लीट। तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से ह्यूमंस के अंदर ये पूरी पूरी प्रोसेस यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया, लेकिन आगे तक पूरा पूरा सेल के पास तक किस तरीके से जो ऑक्सीजन है फूड को ऑक्सीडाइज करेगी। तो इसी में ये तो रहा नॉर्मल सी एक पाथवे हमने पढ़ा, अब ब्रीथिंग किस तरीके से होती है, मैकेनिज्म क्या है ब्रीथिंग का, उसको देखते हैं। ये नॉर्मल हमने पाथ पढ़ा है कि सीक्वेंस कहाँ से कहाँ तक जो है हमारी ट्यूब्स मान सकते हैं इनको, कहाँ से कहाँ तक ये पहुँचती है हमारी, किसके बाद में क्या कनेक्ट होता है। तो ब्रीथिंग की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग जो है आपको पता ही है कि सांस लेने को हम ब्रीथिंग बोलते हैं नॉर्मल, तो इसमें दो प्रोसेस आती हैं, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। ब्रीथिंग एक जस्ट बोलें सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसके अलावा कुछ नहीं है ये। तो इनहेलेशन, इनहेलेशन में क्या होती है, ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर चली जाती है। ऑक्सीजन कम्स इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मूव्स आउट। तो इस प्रोसेस के अंदर जैसे ये रहे आपका चेस्ट कैविटी रिब्स, ठीक है, तो लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो ये क्या करता है, ये बाहर की तरफ मूव करेगा, मींस क्या करेगा, फूलता है लंग्स, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट होती है इसकी आउटवार्ड, बाहर की तरफ, आउटवार्ड एंड अपवार्ड, ऊपर और बाहर की तरफ। जब सांस लेते हैं लंग्स ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं, और जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एयर वगैरह जब बाहर निकलती है तब क्या होता है, तब ये इसका मूवमेंट जो होता है लंग्स का मूवमेंट जो होगा चेस्ट कैविटी का, ये डाउनवार्ड मींस नीचे की तरफ एंड इनवार्ड अंदर की तरफ नॉर्मल अपनी पोजीशन में वापस चले जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होती है, ब्रीथिंग यहाँ पर होती है। अब हम जो है कि ब्रीथिंग हुई, ब्रीथिंग होने से क्या हुआ, नोज के थ्रू कहाँ तक, आपके एल्वियोली में, यहाँ से देखते हैं हमने एक ट्यूब पढ़ी थी इस तरीके से, ये लेफ्ट लंग राइट लंग, ब्रोंकई ब्रोंकियोल्स, लास्ट में क्या था, ये इस तरह सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या थे, एल्वियोली थे, एल्वियोली। तो ये जो एल्वियोली है यहाँ पर ये चारों तरफ क्या होती है, इसकी ब्लड वेसल्स रहती है, मींस ऑक्सीजन। इसको मैं जूम करके बड़ा करके यहाँ बना देता हूँ कि जैसे ये रही एल्वियोली और ये रही ब्लड कैपिलरीज। तो ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एल्वियोली के अंदर ज़्यादा है और ब्लड के अंदर कम है, तो डिफ्यूज़न के थ्रू एक्सचेंज होगा नॉर्मल, और ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगी, ब्लड वेसल्स के पास आ जाएगी। अब ये ब्लड वेसल्स मान लीजिए कि ये ब्लड वेसल्स जो है ये बहुत ही डिस्टेंस ट्रेवल करके ये टिश्यू के अंदर आती है, ब्लड वेसल्स कैपिलरीज, छोटी छोटी वेन्स कैपिलरीज इसमें डिवाइड हो गए, बहुत ही छोटी छोटी
थिन ट्यूब की तरह, ये कहाँ पे आती है, ये टिश्यू के पास में आती है। तो ये ऑक्सीजन लेके आई, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ट्यूब्स के अंदर इनके ब्लड कैपिलरीज के अंदर ज़्यादा है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी है। इसके अंदर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और बॉडी सेल्स के पास में कम है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगी ऑक्सीजन। यहाँ पर प्रोसेस होगी जो हमने रिएक्शन लिखी थी उसको हम अभी डिटेल में देखेंगे ही। तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी रिएक्शन हुई, मान लो अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है तो वही रिएक्शन होगी C6H12O6+O2। इस तरह से ऑक्सीजन पहुँच गई, ये डाइजेशन के थ्रू आया था, डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ही आया था सेल के पास में, और ऑक्सीजन इस तरीके से आ गई। मीन्स ब्लड के थ्रू ही फूड और आपका ऑक्सीजन दोनों आई सेल के पास में, और यहाँ पर इसका किसमें CO2 और H2O में ब्रेकडाउन हुआ। तो मतलब क्या हुआ, CO2 बनी यहाँ पर, CO2 कंसेंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा, ब्लड के अंदर कम, तो वापस मूव हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर, और वापस क्या इस तरीके से, मीन्स ऐसे बाहर नोज के थ्रू बाहर ये निकल जाती है बाहर। तो यहाँ से ये निकल जाएगी। इस ये जो प्रोसेस है पूरी पूरी, अगर आप इसको एक डायग्राम से देखें, तो आप साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे यहाँ पर, उस डायग्राम से आप इसको देख सकते हैं किस तरह से नोस और फिर ट्रैकिया वगैरह और ब्रोंकी ब्रोंकियोल्स के थ्रू एल्वोलाई जो है वहाँ से किस तरह से पाथ बनता है। तो एक रियल एक पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी साइड में, इसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, इस तरह से मैकेनिज्म जो है यहाँ से एंड तक ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी सेल्स तक गई, और सेल पे पहुंचने के बाद वैसे ने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करके वापस इस तरीके से ये लंग्स के थ्रू, मीन्स यहाँ से एल्वोलाई, और एल्वोलाई से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन हायर से लोअर, तो CO2 इस तरीके से बाहर निकल जाती है। तो सेल के अंदर जो है यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकता है ग्लूकोज का से एनर्जी निकालने की जो प्रोसेस है, अब्सेंस में हो सकता है, और कभी कभी ऐसा हो कि ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उतनी ना मिलके कम मिल रही हो, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट काइंड के ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर तो क्या है कि जैसे लैक कमी में और प्रेजेंस में होगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की अब्सेंस में ऑक्सीडेशन फूड का ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो है ग्लूकोज क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहाँ पर कम अमाउंट में होती है। तो यहाँ पर हम इसको देखते हैं किस तरीके से। तो ग्लूकोज सेल के पास, अभी देखा हमने कि सेल में क्या चला है, ग्लूकोज आ गया है। तो ग्लूकोज इसको यहाँ से देखें, पहले जैसे डायग्राम देखते हैं, जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है सेल का, और ये मान लीजिए आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या आया, हमारा ग्लूकोज कहाँ पर आ गया, साइटोप्लाज्म के अंदर आ गया। अब यहाँ से इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होता है, पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट होगा, पाइरूविक एसिड में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ये प्रोसेस कहाँ हुई, ये हुई साइटोप्लाज्म के अंदर, ये क्या है पूरा साइटोप्लाज्म लिक्विड है। अब अगर ऑक्सीजन होगी तो ये पाइरूविक एसिड मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर पाइरूविक एसिड को ब्रेक करने के और उससे एनर्जी निकालने वाले जो एंजाइम्स हैं वो सिर्फ कहाँ होंगे, रेस्पिरेटरी एंजाइम कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे। तो अगर एरोबिक होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, तो ये मूव करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जहाँ पर क्या होगा, ये इसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी को रिलीज करेगा। और अगर अब्सेंस होगी तो ये पाइरूविक एसिड यहीं पर ही साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहेगा और क्या बनाता है, इथेनॉल, इथेनॉल बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल सी बात थी कि प्रेजेंस और अब्सेंस में क्या होगा। मीन्स कहने की बात यह है कि ग्लाइकोलाइसिस जो है वो तो कॉमन ही है, ग्लाइकोलाइसिस के बाद ही क्या होता है, एरोबिक या फिर एनारोबिक चलेगा, इसके अंदर कंप्लीट और इसके अंदर इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है।
तो इसको एक बार और फ्लो चार्ट की, ये तो डायग्राम की हेल्प से हमने देखा, अब इसको फ्लो चार्ट की हेल्प से देख लेते हैं थोड़ा। तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही, साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा यहाँ पर, इसका ब्रेकडाउन होगा किसमें, पाइरुविक एसिड में। पाइरुविक एसिड, ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का कंपाउंड होता है और पाइरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है, तो 3 3 कार्बन के दो बनते हैं पाइरुविक एसिड। तो अब बात करते हैं कि अगर प्रेजेंस होगी ऑक्सीजन की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, ये प्रोसेस होगी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये प्रोसेस होगी तो इसके अंदर क्या होगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड का, तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ में क्या निकलती है, ज़्यादा एनर्जी निकलती है इसमें, मोर एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। तो ये वाली प्रोसेस अभी हमने देखी थी, इस प्रोसेस को एक कॉमन जो है इसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन। ये हुआ ऑक्सीजन की प्रेजेंस है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ फूड का, ज़्यादा एनर्जी निकली इसलिए। दूसरा देखते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की अब्सेंस में, तो ये कहाँ होगा, साइटोसोल के अंदर, मीन्स साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं, साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं साइटोसोल, या आप साइटोप्लाज्म ही मान सकते हैं, सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेगा, ये इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और एनर्जी क्या होती है, कम एनर्जी यहाँ से निकलती है। तो ये जो प्रोसेस थी यहाँ से यहाँ तक को बोलते हैं इसको ग्लाइकोलाइसिस, और ये जो प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है निकलने की, इसको बोलते हैं क्रैब साइकिल। क्रैब साइकिल, क्रैब साइकिल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसको डिस्कवर किया था हैंस क्रैब ने, इसलिए उन्हीं के नाम पर पड़ा क्रैब साइकिल। ये जो प्रोसेस है ये रही आपकी, इसको क्रैब साइकिल या फिर एरोबिक रेस्पिरेशन बोल सकते हैं, और इसको जो है हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, जिसके अंदर इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हुआ जिसके वजह से एनर्जी जो है कम अमाउंट में निकलती है। तीसरा एक और हो सकता है, ये अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स ऑक्सीजन की जब कमी हो, जितना रिक्वायरमेंट है उतनी ना मिले, उससे कम मिले, तो होता है ये, कहाँ पर होती है, मसल सेल्स के अंदर होती है, मसल सेल्स के अंदर होती है, और इसमें क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है यहाँ पर। ये लैक्टिक एसिड बनने की वजह से ही हमें क्या, थकान महसूस होती है, लैक्टिक एसिड बनने की वजह से, जैसे एक्सरसाइज करते हैं, दौड़ लगाते हैं, तो इसमें क्या है कि मसल्स क्या करती है, आपकी लैक्टिक एसिड को इकट्ठा करती है अपने अंदर, और हमें थकावट महसूस होती है। तो ये 3 तरीके से क्या है, ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर क्या करता है, एनर्जी देता है बॉडी को, इसमें से जैसे आपका प्रेजेंस, और ये ह्यूमन के अंदर, और बाकी नॉर्मल ऐसे जैसे ये एनारोबिक हुआ है, ये आपका कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कुछ बैक्टीरिया फंगस जैसे यीस्ट वगैरह, इनके अंदर देखने को मिलता है ये। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से, एक तो यही इम्पोर्टेंट था कि कितने तरीके से, वेज बाय विच ग्लूकोज प्रोड्यूस एनर्जी, तो 3 तरीके हैं आपके ये, और यहीं से हमारा एक क्वेश्चन जो बनता है सिंपल, वो होता है आपका एनएरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसमें हमने देखा अभी कि ये कहाँ पर हुआ आपका, साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ, और ये कहाँ हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और यहाँ पर क्या हुआ, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इधर बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, लेस एनर्जी, एनर्जी निकलती है
इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनर्जी का अमाउंट कम होता है, और यहाँ पर क्या निकलती है, एनर्जी का अमाउंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है। यहाँ पर जो एंड प्रोडक्ट हैं, एंड प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पर, वो हैं इथेनॉल इन C2H5OH एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर एंड प्रोडक्ट जो हैं वो हैं आपके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अगर इस पे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर एग्जांपल में एनारोबिक में आपके कुछ बैक्टीरिया आते हैं, बैक्टीरिया जैसे क्लोस्ट्रिडियम, यीस्ट। यीस्ट आपका बेकरी में यूज़ होता है, इथेनॉल प्रोडक्शन, बियर वाइन इसकी वगैरह बनाने में यीस्ट का यूज़ होता है, इसमें आएगा। और इसमें आपके सभी नॉर्मल जैसे ह्यूमंस हुए, गाय भैंस, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं इसमें, प्लांट्स नॉर्मल। तो ये आता है आपका एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर। इसमें एक कुछ टॉपिक्स जो बचे हैं अभी, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे रोल ऑफ एल्वेलाई, एल्वेलाई का क्या रोल है? तो एल्वेलाई क्या करती है, बाद में आपने देखा जैसे ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है लंग्स के अंदर, ये ट्यूब, और बाद में क्या है, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो बनता है, तो ये क्या करती है, ये सरफेस एरिया को बढ़ाती है, इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नॉर्मल अगर आप देखें, अगर ये ट्यूब इस तरह से, अगर ये ट्यूब अगर ऐसे हो तो इसका एरिया कितना है, अगर ये ऐसे हो तो इसका एरिया कितना है, लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, अब ये इतनी हो गई, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल अगर ऐसे ही रह जाए तो इसका एरिया ज़्यादा होगा कि ये जो ऐसे फैली हुई है इसका एरिया ज़्यादा होगा, डेफिनेटली इसका ज़्यादा एरिया है। तो अब्जॉर्प्शन क्या करते हैं, एक्सचेंज जो गैसेस का, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, पास में जो ब्लड कैपिलरीज होती है यहाँ पर एक्सचेंज होना है, तो यहाँ से अमाउंट ज़्यादा होगी ऑक्सीजन की ब्लड में जाते हुए टाइम, या फिर इस एरिया से, ये एरिया ज़्यादा है, तो इस तरह का जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है, एल्वेलाई होता है। इसकी वजह से, इस तरह का स्ट्रक्चर बनने की वजह से ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है गैसेस के एक्सचेंज के लिए। दूसरा, अगर हम यहाँ देखें कि भाई डायफ्राम क्या है और उसका रोल क्या है, डायफ्राम क्या होता है, एक फ्लैट मस्कुलर शीट होती है जो लंग्स के नीचे की साइड होती है, जैसे ये आपका चेस्ट कैविटी है, यहाँ पर ये लंग्स, तो ये क्या है, नीचे की साइड, यहाँ पर ये क्या होती है, डायफ्राम होती है। ये डायफ्राम क्या करती है एक्चुअली में, ये ब्रीथिंग में हेल्प करती है, रेस्पिरेशन के अंदर हेल्प करती है। किस तरीके से, जब एयर आती है तो एयर आने पर सबसे पहले क्या है कि डायफ्राम क्या करता है, फैलता है, जो चेस्ट है, जो चेस्ट कैविटी है, वो जस्ट अपोजिट काम करती है इसका, मीन्स जब इसके अंदर एयर होगी तो लंग्स में नहीं होगी, और जब यहाँ से एयर निकलती है तो लंग्स में फिल हो जाती है। तो जस्ट ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन मीन्स ब्रीथिंग में हेल्प करता है, जो ये फ्लैट मस्कुलर शीट है डायफ्राम, ये इसमें हेल्प करती है। और एल्वोले क्या करती है, जो एक्सचेंज है, गैसेस का एक्सचेंज है, उसको क्या करती है, इंक्रीज कर देती है, एनहांस कर देती है इसको पूरे को। इन टॉपिक में अगर आपको कुछ डाउट हो या कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा।